Hello people, this is Saki 369 welcomes you on our YouTube channel Old School Squad. So please welcome. आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरा खुद का और मेरे दोस्तों का कलेक्शन। वेलकम गाइस, सो जाते हैं आज के हमारे पहले स्कूटर की तरफ। ये मेरा सबसे फेवरेट सबसे पहला वाला स्कूटर है और इसके साथ मेरी बहुत यादें जुड़ी हुई है। इसको मैंने 3-3.5 साल पहले लिया था और ये पूरा एकदम जंग जैसा गिरा हुआ था। हमारे बिल्डिंग में एक अंकल है, उनसे मैंने स्पेशली रिक्वेस्ट करके ये लिया था और आपको पता ही रहेगा इसका पासिंग देख के कि इसका पासिंग कब का है, इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट कब का है। सो एनी केसेस, ठीक है, तो मेक श्योर यू राइट इट डाउन ऑन द कमेंट सेक्शन बिलो। वेल, ये है 1987 मॉडल और इसका नाम है बजाज कप इन द कैटेगरी ऑफ सुपर। सो इसका स्पेशल बात है कि इसमें सिर्फ 3 ही गियर है और ये बहुत ही कम चेतक में आपको दिखाई देगा। नॉर्मली जितने भी सब चेतक है सब में 4-4 गियर है, इसमें 3 ही गियर है और ये सिर्फ 100cc का है। इसका डिसप्लेसमेंट भी बहुत कम है, ये है 3.8 वाला। सो इसका आपको टायर, इसके पार्ट्स बहुत ज़्यादा रेयर हैं। इसका मॉडल है 1987, सो लास्ट ईयर इसको 30 ईयर्स कम्प्लीट हुआ। हम लोग ने इसका बर्थडे भी सेलिब्रेट किया और अभी इसको एक साल और, मतलब ये 31st हो गई है। ये हमारे ग्रुप में बहुत ही स्मूथेस्ट स्कूटर है गाइज। 2 महीना बंद रखो, 6 महीना बंद रखो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ हाफ किक में चालू हो जाता है। इसको सिर्फ टेढ़ा करो और हाफ किक दो, बाकी सब का कॉम्प्रेशन रेशियो अलग है। उन सब का किक बहुत हार्ड रहता है, इसका किक बहुत ज़्यादा स्मूथ है। रोड पे चलाओ तो फायरिंग भी इतना क्लियर है ना कि बस भाई, जो भी इस पर बैठता है बोलता है भाई, मस्त चीज़ है। सो गाइज, जाते हैं हमारे नेक्स्ट स्कूटर की तरफ। ये है चेतक क्लासिक, ये है 1998 मॉडल, 150cc सिंगल सिलेंडर ड्रम ब्रेक सिस्टम वाला स्कूटर। और इसका खासियत आपको पता ही रहेगा, ये बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल दिखती है। जब हम लोग ने इसको लिया था ये बहुत ख़राब कंडीशन में थी, इसका डेंटिंग का काम करना था, इस पर पूरा जंग लगा हुआ था, इसके पार्ट्स प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे थे। तो हम लोग ने पूरा ABCD से स्टार्ट किया है। सो गाइस, स्टार्ट टू एंड हम लोग ने इसमें बहुत मेहनत किया है और ये आपके सामने मेहनत का नतीजा है। और इसका ओनर और कोई नहीं, हमारा है कैप्टन सखेजा। प्लीज वेलकम, से हाय टू द कैमरा। What up people, it's your boy Captain Vlogger, I'm back with Pop Shop's video. Guys, this is my scooter, lovely. It looks amazing guys. So, Sakshat ka video chal raha hai, Old School Squad. I thought ki main bhi yahan pe tha to thoda help kar do video ke liye. So, he is doing great. So, continue with the vlog. Yo man. So, ye tha hamara Captain Sarkazam ka scooter. और इसकी और एक अच्छी बात यह है कि आप इसको जब भी रोड पे लेके जाते हो यार, लोगों की भीड़ हो जाती है, भाई कमाल है भाई, क्या दिख रहा है भाई, कलर कॉम्बिनेशन बहुत कूल है भाई, ज़्यादा डार्क नहीं, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं, बहुत अच्छे तरीके से उसको किया गया है। और बढ़ते हैं हमारे अगले स्कूटर की तरफ। ये 2004 मॉडल है, जब बजाज का चेतक ये वर्जन बंद होने वाला था उन्हीं कुछ दिनों के बीच का ये मॉडल है। इसकी खासियत ये है कि इसमें जो कार्बोरेटर है वो बाइक जैसे दिया है, सो इसमें फ़र्क ये पड़ता है कि इसमें एवरेज बहुत ज़्यादा है। सो ये 1 लीटर में 70 का एवरेज देता है ऑन हाईवेज, और सिटी का बात करो तो 50-60 आराम से मिल जाता है। इसका फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है 3.5 लीटर, सो गाइज अराउंड 300-350 तक पूरा टैंक फुल हो जाता है। सो गाइज, ये है इसकी फ्यूल एफिशिएंसी। बात करते हैं परफॉर्मेंस की, ये बहुत फास्ट है, इसका पिकअप भी बहुत डिसेंट है, और कोई बाइक के साथ इसको कंपेयर करोगे जो 150cc है तो गाइज आराम से टक्कर दे देता है। आने वाले ब्लॉग्स में आपको मैं इस पे भी राइड करके दिखाऊंगा कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है, और मैं ये मेक श्योर करूंगा कि आपको भी पता चले कि मैं बस ऐसे ही नहीं बोल रहा, इसमें सच में वो बात है। तो गाइस, इसके लिए इतना ही, अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट स्कूटर की तरफ। ये मैंने रिसेंटली बाय किया है, आपको पता ही रहेगा 04 पासिंग है, मैंने थाना से बाय किया है
इसका अच्छी बात यह है कि इसका इंजन बहुत अच्छे कंडीशन में है, सिंगल किक स्टार्ट होता है और बहुत स्मूथ फायरिंग है इसकी। क्योंकि हम लोग तुंगारेश्वर गए थे ट्रेक के लिए, जहाँ कि आपको पता है हम लोग मानसून के टाइम पे गए थे और उधर पूरा रिवर में पानी आ रहा था, और बिलीव मी हम लोग पूरे रिवर में से ये लेके गए और ये एक बार भी बंद नहीं हुआ। हम लोग के ग्रुप में डियो था, एक्टिवा था, सब के सब स्कूटर बंद पड़ गए और उनको पता है आपको उनको गियर नहीं है तो धक्का स्टार्ट भी नहीं कर सकते। सो गाइस, ये है इसकी खासियत और आगे जो भी व्लॉग रहेंगे वो सब मैं इसी पे ही करने वाला हूँ। और यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज गिव इट अ बिग थम्स, और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप आगे आने वाले वीडियोस का इंडिविजुअल पर्सनल नोटिफिकेशन चाहते हो तो नीचे दिया गया हुआ बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोस गाइस।